महोदय, ये सरकार पहली सरकार है जिस सरकार ने अन्नदाता किसानों के हित में दो अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। एक, वन्य जीव और मानव संघर्ष को आपदा की श्रेणी में घोषित करना है। ये हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में उठाया है। और कोई भी व्यक्ति वह सर्पदंश से मरे, आपके पसंदीदा सांड से मरे, किसी हाँ हम तो हमारे लिए तो प्रिय है ही, हम तो नंदी के रूप में पूजा करते हैं सांड की, हम तो करते ही हैं। शिवपाल जी, क्या आप नहीं करते हैं? क्या करते हैं ना, तो कुछ तो समझाया करो। देखो, सर्पदंश से, वन्य जीव से, सांड के मारने पर ये सभी को आपदा की श्रेणी में घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। और पहली बार आपने देखा होगा, ठीक है, आपको अवसर नहीं मिल पाया, जनता ने इस लायक नहीं समझा कि आप कर नहीं सकते, इसलिए कहा कि भाई आप बाहर जाइए। और इसलिए डबल इंजन की सरकार आई, डबल इंजन की सरकार ने आते ही अन्नदाता किसानों के हित में ये कदम उठाए और आज हर किसान को स्वतः स्फूर्त भाव के साथ मिल रहा है। बिजनौर की जो चर्चा नेता विरोधी दल कर रहे थे, आपको मालूम होगा कि वहां पे बीस ऐसे तेंदुए वहां से निकाल करके रेस्क्यू किया गया है और 6 टीमें लगातार वहां कैंप कर रही हैं। हम किसान को सुरक्षा भी देंगे लेकिन साथ साथ वन्य जीवों को रेस्क्यू के माध्यम से सुरक्षित स्थानों पर उन्हें पहुंचाने का कार्य भी करने की तैयारी सरकार कर रही है और सरकार उसके प्रति बहुत चिंतित है। सरकार लगातार वहां पे वन विभाग के लोग और इसके विशेषज्ञ कैंप कर रहे हैं, लगातार वहां पर कार्य किया जा रहा है और हर एक को हम लोगों ने इस दिशा में प्रयास किया है। महोदय, यहां पर मैं नेता विरोधी दल को एक और पूछना चाहता हूं, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित 55 लाख लोग हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या ये पीडीए के पार्ट नहीं है क्या? पचपन लाख लोग, क्यों नहीं इन्हें आवास मिला था? इसलिए नहीं क्योंकि वो दलित थे, गरीब थे। ये 55 लाख लोगों को 2017 से लेके अब तक आवास दिलाए गए हैं, 2017 से अब तक। फिर वही कह रहे हैं ना, इंदिरा आवास में कितना पैसा मिलता था, कितना पैसा मिलता था? लोहा आवास में किसको आप देते? समाजवादी पार्टी के कैडर को। ये सच्चाई है, समाजवादी पार्टी के कैडर को, और समाजवादी पार्टी का कार्यालय तय करता था किसको आवास मिलना है। ये पहली सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में जब प्रधानमंत्री आवास योजना घोषित हुई, और प्रधानमंत्री आवास घोषणा योजना घोषित होने पर न सेंट्रल में और न राज्य उत्तर प्रदेश में, तब बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी लेकिन सेक्स सूची हम लोगों ने माना। ये सर्वे जब केंद्र में कांग्रेस की यूपीए की गवर्नमेंट थी और प्रदेश में सपा की सरकार थी, सेक्स सूची आई थी, हमने उसी सेक्स सूची को स्वीकार किया
और फिर हमने उसी के अनुसार मकान देने प्रारंभ किए और महोदय 17 से लेके अब तक, 17 से अब तक, सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं मैं यही कह रहा हूं ना कि क्या आपने उसको पीडीए का पार्ट नहीं माना था उस समय, जिस समय लाभान्वित करना था, भारत सरकार लिखती थी इन गरीबों के लिए आवास लीजिए, ये कहते थे नहीं नहीं दलित हमारा वोट नहीं, ये लोग कहते थे, देते ही नहीं थे ये लोग, और परिणाम क्या है? और वह पौने यानी लगभग केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद लगभग 2.5 वर्ष ये लोग सरकार में रहे, योजना लागू ही भारत सरकार लिखती थी, इन्होंने नहीं दिया, और 17 में जब डबल इंजन की सरकार आई 55,20,000 लोगों को एक एक आवास मिला है, जिसमें से 44,93,000 आवास अब तक बनकर के तैयार हो चुके हैं, गृह प्रवेश हो चुका है। ये लोग दलित और पिछड़ों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं महोदय, और यही नहीं, डबल इंजन सरकार ने एक और काम किया है, प्रयागराज में भी एक भूमाफिया की जमीन को मुक्त करा करके 76 गरीबों को वहां भी आवास दिया है। महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर अब उसी सच्चाई पे हम आ जाते हैं जिसके कह रहे हैं कि क्या किया है। सिंचाई की बात मैं करता हूं, मैं मानता हूं कि वहां 12 से 17 के बीच में चाचा भतीजे के बीच में द्वंद का शिकार उत्तर प्रदेश के लोग होते रहे, और यही कारण था कि भतीजे को लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि चाचा हावी हो जाए, इसलिए पैसा ही नहीं देते थे, पैसा ही नहीं देते थे। परिणाम था सिंचाई 12 से 17 के बीच में, चिंता बहुत, चिंता मत करो, आपकी सारी जिज्ञासाओं को दूर कर दूंगा एक झटके में, अभी एक एक करके। 8 परियोजनाएं पूर्ण हो पाई थी 12 से 17 के बीच, और 17 से 22 के बीच में हम लोगों ने 20 परियोजनाओं को पूरा किया है। सिंचन क्षमता 12 से 17 के बीच में 1,95,900 हेक्टेयर को हुआ, 1,95,900 हेक्टेयर, और 17 से 22 के बीच में 23,17,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अतिरिक्त सुविधा प्राप्त हुई है, जिससे 44,00,000 किसान सीधे सीधे लाभान्वित हुए हैं। वही मैं कह रहा हूं ना, तो देखिए सच्चाई हमेशा थोड़ा कड़वी होती है, और सत्य को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। वही सत्य, वही मैं कह रहा हूं महोदय, इसी प्रदेश के अंदर कुल जो नलकूप हैं, राजकीय नलकूप और निजी क्षेत्र में नलकूप काफी बड़े पैमाने पर है, यद्यपि जहां पे नहरों का संजाल नहीं बच पाया है, बड़ी यानी नहरें नहीं जा पाई, रजवाहा नहीं जा पाए, गोल नहीं जा पाए, उसके अनुक्रम में वहां पर किसानों ने पहले से ही, प्रगतिशील किसान रहा है, खेती बाड़ी प्राचीन काल से ही माँ गंगा की इतनी कृपा रही कि यहाँ की जो भूमि थी अत्यंत उर्वरा थी, लोग खेती बाड़ी में विश्वास करते थे, परिश्रम पर विश्वास करते थे, अपने पुरुषार्थ से उन्होंने इस धरती से उस कालखंड में अन्न उत्पादन के माध्यम से अपनी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया था,
और यहाँ पर प्रदेश में भी हम लोगों ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया। कुल निजी नलकूप प्रदेश के अंदर 14,65,600 से अधिक हैं। निजी नलकूप को पहली बार इन सभी किसानों को प्रदेश के अंदर गत वर्ष हम लोगों ने विद्युत बिल में 50% की छूट दी है। पहली बार किसानों को यह सुविधा प्राप्त हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या कर रहे थे लोग? इन लोगों के पास किसानों के लिए कोई अन्य कोई यानी किसानों के हित में करने के लिए कुछ भी नहीं था। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ करना भी नहीं चाहते थे। आप तो अभी इससे पहले तो वहां से बोलते थे, अब जो है फिर रोज रोज अपना चले। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा वहीं बैठे रहे। और मौजे 23-24 के लिए हम फीटर को अलग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हम लोग सभी उन निजी नलकूप लगाने वाले अन्नदाता किसानों को फ्री में बिजली उपलब्ध करवा सके। हमने बजट का प्रावधान कर लिया है, 1500 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान हम कर चुके हैं। फीडर के सेपरेशन की कार्रवाई चल रही है और इस समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी प्रदेश के अंदर। इसके साथ ही प्रदेश सरकार के द्वारा जो तमाम अन्य कार्यक्रम किए गए, इसमें नलकूपों के सोलर पंप के माध्यम से उन्हें सोलराइज करने की कार्रवाई, अब तक हम लोगों ने 45,342 ऐसे किसानों को इससे आच्छादित किया है और 23-24 के लिए 30,000 किसानों को इसके साथ जोड़ने की कार्रवाई हमारी प्रचलित है। प्रदेश के अंदर टेल तक पानी पहुंचाने की कार्रवाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ी है। मैंने पहले ही बता दिया था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भी 23 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई के अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने के साथ ही प्रदेश के अंदर जल संरक्षण इसी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मैं तो महोदय खासतौर पर चेकडैम निर्माण के लिए 1546 चेकडैम का निर्माण इस दौरान किए गए, 395 तालाब बनाए गए लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से, 1234 तालाब बनाए गए और प्रदेश के अन्य विभिन्न विभागों के माध्यम से ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नगर विकास, अन्य के द्वारा भी अलग अलग समय में जो तालाब बनाए गए और अमृत सरोवर के माध्यम से भी हम लोगों ने जो इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, 30,642 तालाब बनाए गए। भूगर्भ जल विभाग के माध्यम से भी 57 तालाब बनाए गए। अन्य विभागों के द्वारा भी इसमें सहयोग किया गया, जिसके माध्यम से भी 13,666 यहाँ पे अमृत सरोवर के निर्माण की कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने का कार्य हुआ, 34,974 कार्य अब तक पूरे किए गए हैं। रियूज एंड रिचार्ज स्ट्रक्चर के लिए भी 30,739 कार्यक्रम किए गए और हर जनपद में उन नदियों को जो कभी नदी के शकल में थी, बाद में एक समय के साथ वे समाप्त सी हो गई थी, उन्हें पुनर्जीवित करने की कार्रवाई, 9 नदियों को अब तक पुनर्जीवित किया गया है और लगभग 66 पे यह कार्य हमारा वर्तमान में चल रहा है, जिन्हें हम पुनर्जीवित करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। भूगर्भीय जल के स्तर में सुधार लाने के लिए भी प्रदेश सरकार के द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं और इस कार्यक्रम को भी प्रदेश सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। महोदय, प्रदेश ने विद्युत की आपूर्ति क्या स्थिति थी,
ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, 2017 के पहले और 2017 के बाद विद्युत की आपूर्ति पहले जिला मुख्यालयों पे और वह भी बीआईपी डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, यानी डिस्ट्रिक्ट भी बीआईपी हुआ करते थे, उन जिलों में बिजली मिलती थी, शेष जिले उससे वंचित रहते थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में एक समान विद्युत की आपूर्ति की जा रही है और इसमें जिला मुख्यालयों पे 23 से 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों पे 20 से 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 16 से 18 19 घंटे की विद्युत की आपूर्ति अप्रैल 2017 से सरकार लगातार कर रही है। मजरों की विद्युतीकरण की कार्रवाई, 1,21,000 से अधिक मजरों को विद्युतीकरण से युक्त किया गया इस दौरान किया गया। प्रदेश के अंदर 33/11 केवीए के 1528 सब स्टेशन की स्थापना भी की गई। प्रदेश के अंदर 1,58,00,000 घरों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाने के कार्य किए गए और 3,99,800 से अधिक किसानों को निजी नलकूप के कनेक्शन भी दिए गए। ग्रामीण क्षेत्र में भी और अन्य तमाम प्रकार के हुए थे, इसी से अनुमान लगा सकते हैं 15-16 में जो इनका पीक आवर होता था पावर का, पीक डिमांड जो होती थी समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वह 12,300 मेगावाट की होती थी और 2023 में जब हम लोग हैं आज पीक में डिमांड है 28,284 मेगावाट। यानी यह दिखाती है कि पिछली सरकार के पास विकास का कोई अपना एजेंडा नहीं था, व्यक्तिगत एजेंडा था, व्यक्तिगत एजेंडा परिवार का एजेंडा था। और आएंगे ना बहुत बहुत सारी जगह आऊंगा मैं उस पर भी, अभी उस पर भी आ रहा हूं महोदय। इसके अलावा प्रदेश के अंदर जो पावर सप्लाई में जो लॉस था उस लॉस को भी काफी कम किया गया, यानी 2017 के पहले ये लगभग 22% था और 2017 के पहले आज 2023 में जब हम लोग आए हैं ये लगभग 17% के आसपास है। ये चीजें दिखाती हैं कि सरकार के स्तर पर कुछ रिफॉर्म भी हो रहे हैं और कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अगर हम प्रदेश के अंदर बिजली के मीटर की भी व्यवस्था देखेंगे तो पहले 2017 के पहले 1,08,00,000 विद्युत के मीटर थे, आज 3,27,00,000 से अधिक विद्युत के मीटर भी संयोजित किए गए हैं और इनकी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। महोदय अगर प्रदेश के अंदर अगर हम लोग प्रदेश के अंदर इस कार्रवाई को आगे देखेंगे तो विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में 12 से 17 के बीच में 4,839 मेगावाट के विद्युत के उत्पादन की क्षमता इन लोगों ने अर्जित की थी और इस समय हम लोगों ने अर्जित की है 5,820 मेगावाट और साथ साथ 1,600 मेगावाट के ओबरा तापीय परियोजना को हम लोगों ने आगे बढ़ाने की कार्रवाई को भी एनटीपीसी के साथ प्रारंभ की है। हमारा अनुमान है कि हम लोग बहुत शीघ्र इस परियोजना को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और प्रदेश की आने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ये इकाइयां महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे।
प्रदेश के अन्नदाता किसानों की ये चर्चा कर रहे थे। महोदय, अन्नदाता किसान की जो स्थिति है प्रदेश के अंदर, मुझे आश्चर्य होता है। एमएसपी क्या होता है नेता विरोधी दल को संभवतः तो मालूम नहीं होगा, मालूम होना चाहिए। सिपाल जी, थोड़ा आपको बढ़ाना बताना चाहिए था। महोदय देखिए, धान 2014 में जो कह रहे थे कि कितना दाम बढ़ा है और उस समय की स्थिति क्या थी, 2014-15 में ही मैं देखता हूं, धान की जो एमएसपी थी वो आती 1360 रुपये धान सामान्य में। शिवपाल जी, आप इसके बारे में कुछ जानकारी रखते होंगे, आप थोड़ा सुन लीजिए। आज महोदय उसी धान की एमएसपी 2324 में सरकार ने 1360 की बजाय 2183 रुपये सीधे किसानों को दिए। हाँ, मैं आऊंगा उस पे भी, मैं आऊंगा, मैं उस पे भी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। धान ग्रेड ये 1400 एमएसपी थी और आज 2203 रुपया वर्तमान में दी जा रही है। ज्वार, ज्वार हाइब्रिड 1530, वर्मा जी नोट करिए, 1530, हाँ पर नोट कर लीजिए ना आपके लिए, 3180 रुपये, 3180, 1530 का 3180 रुपया। ज्वार 1550, ये मलडंडी जो है 1550, ये 14-15 में था, आज इसका एमएसपी दिया जा रहा है 3225 रुपया। बाजरा, बाजरा खाएंगे सेहत ठीक होगी, 1250 इसका एमएसपी था, आज पैसा दिया जा रहा है 2500 रुपया, दोगुना नहीं है क्या। मक्का, इनके समय में मक्का का दाम दिया जाता था, वह भी प्रोक्योर नहीं किया जाता था, मक्का का प्रोक्योरमेंट हमारी डबल इंजन की सरकार ने प्रारंभ किया था, समाजवादी पार्टी सरकार ने नहीं। अभी आता हूं उस पे भी, घबराओ मत, उस पे भी आ रहा हूं मैं। 1310 एमएसपी, 1310, और इस समय दिया जा रहा है 2090 रुपया। उड़द 4350 और आज मिल रहा है 6950। मूंग 4600 और इस समय दिया जा रहा है 4558। अरहर 4350 आपके समय में और वर्तमान में 7000 रुपया। तिल समाजवादी पार्टी सरकार में दिया जाता था 4600 रुपया और आज दिया जा रहा है 8635 रुपया। और ऐसे ही मैं रबी की फसल के बारे में भी चर्चा कर बता देना चाहता हूं, एमएसपी कितना बढ़ा है। संभवतः नेता विरोधी दल को रवि और खरीफ का अंतर महसूस नहीं होता होगा। फसल थोड़ा, मैं आ रहा हूं ना उस पे भी, मैं आ रहा हूं उस पे, आप चिंता मत करो। बिजली का प्लांट एक नहीं बनाया, मैं सुन रहा था शायद बता देंगे, एक प्लांट नहीं बनाया इन्होंने, एक नहीं बनाया इन्होंने। महोदय गेहूं एक मंडी बनाई हो बता दें, अध्यक्ष महोदय एक मंडी बनाई हो तो बता दें। वो भी आता हूं मैं, आपकी इन सभी शंकाओं को दूर करूंगा भी।
गेहूं, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 1450 रुपये, आज 2125 रुपया। जौ 1750 रुपये, समाजवादी पार्टी तो की सरकार के समय तो पांच कंपनियों ने खरीद लिया 1735 रुपया। अध्यक्ष महोदय, लेकिन किसान को क्या मिला? सब लोग शांत है ना। अरे पांच कंपनियों ने पूरा गेहूं खरीद लिया इनका, पार्टी की सरकार के समय कंपनियों ने गेहूं खरीद लिया 5335 रुपया। अरे जब आप बोले सब लोग शांत है ना। मसूर, आप बात सुनो, सुनने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। महोदय मसूर 3075 रुपये, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय रेट मिल रहे थे किसानों को, आज किसानों को रेट मिल रहे हैं 6000 रुपया। सरसों, लाई सरसों 3100 रुपया, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, आज दाम मिल रहे हैं 5450 रुपया। और महोदय आप अगर हम इनको बताएं कि कितना प्रोक्यूरमेंट हम लोगों ने कब किया है तो संभवतः इनकी आंखों को खोलने के लिए ये आंकड़े भी बहुत होंगे, अच्छे होंगे। और हम आ रहा हूँ महोदय, 12-13 में जो धान और गेहूं का प्रोक्यूरमेंट हुआ था, धान का मैं बताऊं 12-13 में खरीद लक्ष्य से ही रखा गया था 25 लाख टन का, और एक भी किसान से नहीं खरीदा गया था, सभी आढ़तियों के माध्यम से खरीदा गया था। मैं आ रहा हूं ना शिपाल जी, मैं आ रहा हूं उसी पे, मैं आ रहा हूं उस पे। देखिए 17 के पहले कहीं भी प्रोक्यूरमेंट सेंटर नहीं लगते थे, अंतिम प्रोक्यूरमेंट सेंटर स्थापित हुए थे जब माननीय राजनाथ सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने किसानों से सीधे खरीदने की व्यवस्था की थी, और उसके बाद से ये व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी गई। आज प्रदेश के अंदर धान के लिए भी, गेहूं के लिए भी, मकई के लिए भी, बाजरा के लिए भी बकायदा प्रोक्यूरमेंट सेंटर स्थापित होते हैं, एमएसपी का दाम दिया जाता है, मंडी शुल्क को 2% से 1% भी हम लोगों ने किया, और यही नहीं किया, सरकार ने इससे भी आगे जाकर के व्यवस्था बनाई कि अगर किसान की उपज का दाम मार्केट में ज्यादा है तो किसान को मार्केट में अपनी उपज को बेचने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसमें कोई कैप नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, किसी भी प्रकार की उस पर कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए। किसान के हित के लिए सरकार के द्वारा उठाया गया यह कदम है। और उसी पे अगर मैं आता हूं तो प्रदेश ने अगर इस दौरान जो खरीदारी की 2017 में, हम लोगों ने जो अन्नदाता किसानों को गेहूं के उसमें 36,99,000 मीट्रिक टन का प्रोक्यूरमेंट किया था, जिसके माध्यम से किसानों को 8,646 किसानों को 6,011 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। 2018-19 में 52,92,000 मीट्रिक टन का प्रोक्यूरमेंट किया गया, 9,231 रुपए अन्नदाता किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान किए गए, 11,27,195 किसानों को इसका भुगतान किया गया। 2019-20 में 37 लाख मीट्रिक टन से अधिक का गेहूं क्रय किया गया, 7,53,414 किसानों को 6,889 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से दी गई। 21-22 में 56,41,000 मीट्रिक टन का प्रोक्यूरमेंट किया गया,
जिसमें 13,01,753 किसानों को 11,141 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से भुगतान की गई। और अगर आप पिछले 6-7 वर्षों का देखेंगे तो महोदय 224 लाख मीट्रिक टन से अधिक का प्रोक्योरमेंट गेहूं का अन्नदाता किसानों से किया गया और जिसके माध्यम से 41,299 करोड़